वैसे कई जगह पे स्कूल खुल चुके हैं, कई जगह 2 साल के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक्साइटमेंट बहुत है। तो मम्मा और पापा दोनों के लिए आज एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जो मजेदार हो जाएगी बिल्कुल। अब आप इसे कटलेट बोल लो, ब्रेड रोल बोल लो, ब्रेड बोंडा बोल लो, जो बोलना है बोलो, है बड़ी ही टेस्टी डिश, बहुत जल्दी बन जाती है, बच्चे एंजॉय करेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेंगे। सिंपल रेसिपी है, पहले बनाते हैं आलू का मसाला। वैसे कुछ लोग कच्चे आलू से बना लेते हैं, हम थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, मस्ती करेंगे इसके साथ। सबसे पहले तेल गरम किया, उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, साथ में हल्की सी सौंफ, चॉप किया हुआ अदरक, बहुत टेस्टी लगता है, चॉप की हुई हरी मिर्च। अब कुछ बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही अदरक और हरी मिर्च थोड़ा सा भुन जाए, उसमें डाल दो 1 चॉप किया हुआ प्याज, अब डालो जी इसमें थोड़े से सूखे मसाले, हल्का सा हल्दी का पाउडर, हल्का सा धनिए का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, चुटकी भर गरम मसाला। और अब गए जी मटर, और डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्का सा पानी का छिट्टा। ये 2 काम के लिए, मटर जो है वो हल्के से पक जाए और सूखा मसाला जले नहीं। अब आएगी जी आलू की बारी। अब आलू को इसके अंदर सीधा ग्रेट करना है। भैया आलू का जो मिक्सचर है ना, 2-3 मिनट ही पकना है, ज़्यादा पकना नहीं है। उसके बाद डालो उसके अंदर चॉप किया हुआ धनिया, और साथ में डलेगा जी अमचूर का पाउडर, मस्त खट्टा खट्टा बनेगा ये मिक्सचर। आहा, एकदम बढ़िया, वो समोसे वाले आलू जो होते हैं ना, वैसी खुशबू आ रही है। अब आप इसमें चाहो तो आलू के साथ चॉप किए हुए गाजर, गोभी, फ्रेंच बीन्स, ये भी सॉटे करके डाल सकते हो, पर छोटा छोटा काटना पड़ेगा उसको, है ना। नहीं तो आजकल वो आ गया ना यंत्र, वो यंत्र में फटाफट चॉप करके वो डाल दो, बच्चों को सब्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर यूज़ किए हैं, आप गाजर, गोभी, फ्रेंच बीन्स, मटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो और ये सिर्फ पनीर के भी बना सकते हो, चॉइस इज योर्स, है ना। अब एक और काम क्या करना है, ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं उनका जो कोने होते हैं ना, वो जनरली लोग फेंक देते हैं, नहीं नहीं फेंकना नहीं है उसको, उसको साइड्स को काट के हम लोग ये इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये जो ब्रेड के टुकड़े हैं ना, इनको अच्छी तरीके से इस आलू के मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। जब फ्राई होंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा वो ब्रेड जो बची हुई थी वो अंदर आ गई। देखो ऐसे ही होता है जी, वेस्ट कुछ नहीं करना, वेस्टेज इज़ एक्चुअली लाइक अ सिन। मतलब क्यों वेस्ट करना है खाना, जब यूज़ हो सकती है हर चीज़। तो ये लो जी, अब इसको होने दो थोड़ी देर ठंडा। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक बच्चों के टिफ़िन में कुछ फ्रूट, कुछ पौष्टिकता, उसे भी अच्छा बना देते हैं। अब वाटरमेलन काटने का आपको सही तरीका मैंने अपने ये फ्रूट
प्लेटर वाले वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आप वाटरमेलन काटने का तरीका उसमें से देख लीजिए। अब उसके अंदर के जो बीचों बीच का पार्ट होता ना, उसमें सीड्स नहीं होते, तो वो मैंने ये निकाल लिया है। अगर एक आधा सीड निकलेगा तो उसको ऐसे निकाल देंगे। अब इनको काटो जी बढ़िया बढ़िया डाइसेस में। एक डब्बा तो हो गया बंद। अब टूथपिक किस लिए? आजकल आपको पता ही है ना, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, तो बच्चे हाथ में ऐसे चाटे नहीं, टूथपिक उठाया खाया फेंक दिया, वन डन। अब ये जो मिक्सचर है ये ऑलमोस्ट हो गया ठंडा। अब इसे बनाया जाएगा ब्रेड रोल में। अब इसे रोल करेंगे ब्रेड में और बन जाएगा ब्रेड रोल। अब ब्रेड रोल बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। ये जो ब्रेड हमने काटी थी इसको सिर्फ एक साइड पानी में ऐसे डुबाओ और उसको फिर अच्छे से स्क्वीज कर दो। बहुत ध्यान से इसे फ्लैटन करना है ताकि एजेस पतली हो जाएं। ब्रेड रोल का जो आलू हमने बनाया है इसको ऑलरेडी एक सिलेंडर शेप में फॉर्म कर देते हैं। इसको यहाँ पे इस तरह से रखा डायगोनल, हल्के हाथ से इसे लपेटा यूं, साइड्स को चिपकाया, और इसे अब हाथों से अच्छी तरीके से प्रेस करके शेप कर दिया। जहाँ जहाँ ब्रेड के क्रैक्स हैं उसे उंगलियों से इस तरीके से आप दबा के रोल्स बना लीजिए। अब मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करना है, लेकिन क्योंकि इस ब्रेड में हमने पानी डाला है इसलिए पंखे के नीचे इसे 4 से 5 मिनट रख दीजिए। जब तक फ्रूट वूट कर लीजिए, बच्चों की यूनिफॉर्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 4-5 मिनट का टाइम है। पति देव के लिए चाय चढ़ा दीजिए या फिर वाइफ के लिए चाय चढ़ा दीजिए, है ना। पंखे में हल्के से सूख जाए फिर उसके बाद इन्हें हॉट ऑयल में फ्राई किया जाएगा। वाह, मज़ेदार क्रिस्पी ब्रेड रोल चंकी चंकी तैयार है। लुक एट द क्रिस्पीनेस, वाह, फिल्ड विद आलू एंड अमेजिंगनेस। अब इसे खाने के बाद आपके बच्चों के दोस्त पता क्या बोलेंगे? अरे आशु, तुम्हारे पापा का नाम शेफ अजय चोपड़ा है क्या? अरे सिर्फ आशु के फ्रेंड्स नहीं, सब फ्रेंड्स बोलने चाहिए और फिर आपको मिल जाएंगे सारे क्रेडिट। अब मैं बिग डैडी शेफ, आप भी बिग डैडी शेफ बन जाओ अगर आप पापा हो देख रहे हो तो, और मम्मी हो तो नो प्रॉब्लम, हमारा रोज का काम है। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि आपको बिग डैडी शेफ बनना है। अब मैडम जी अगर तैयार कर रही हैं तो आप ये फटाफट बना सकते हैं अगर आप देख रहे हैं, और मैडम जी अगर आप ये रेसिपी देख रही हैं तो आप अपने हस्बैंड जी को दिखाइए, बोलिए कि शेफ ने सिखाया कि आप बनाओ। आई इंसिस्ट कि ये आदमी बनाए, बहुत सिंपल रेसिपी बना सकते हो, झटपट बन जाएगी और फिर उसके बाद बन जाओगे बिग डैडी शेफ़।